हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक इन एम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में मी द्वारा लॉन्च की गई उसकी मी टीवी 4A के बारे में बात करूंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मी ने कल ही दोपहर 4 बजे अपनी दो LED स्मार्ट टीवी जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दी है, जिसमें जो पहली जो टीवी है वो है 32 इंच की, जिसकी प्राइस करीब 13,000 रुपये है। और जो दूसरी जो टीवी है वो है करीब 43 इंच की, जिसकी प्राइस लगभग 23,000 रुपये है। यहाँ पर हमें दोनों टीवी जो है वो फुल HD मिलती है और दोनों ही एंड्रॉयड स्मार्ट LED टीवीज है। यहाँ पर हमें दोनों ही LED टीवीज में जो है वो 1 GB की रैम मिल जाती है और 8 GB का स्टोरेज मिल जाता है। इन दोनों ही LED के अंदर हमें 3 HDMI पोर्ट और 2 USB के पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर हम हमारी पेन ड्राइव या जो भी हम अपनी मीडिया डिवाइस से उनको लगाकर कुछ भी स्ट्रीम कर सकते हैं। एंड्रॉइड के सारी एप्स जो है वो इस स्मार्ट LED के अंदर सपोर्ट करेगी। LED के अंदर जो पॉपुलर एप्स, मीडिया स्ट्रीमिंग की जो एप्स है वो सारी जो है वो सपोर्ट करेगी, जिसके अंदर TVS, हॉटस्टार, वूट, सोनी लाइव वगैरह सारी एप्स जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इस टीवी के अंदर हमें साथ में ही AV पोर्ट मिल जाता है, ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है। यह टीवी वाईफाई सपोर्टेड है और इस टीवी के साथ हमें दो एक्सेसरीज भी मिलती है, जिसके अंदर एक टीवी का कंट्रोलर आ जाता है और एक IR केबल आ जाती है, जिसकी प्राइस करीब 150 रुपये जो है वो हमें फ्री में मिलता है। उस IR केबल के जरिए हमारा जो भी सेट टॉप बॉक्स हमारे LED स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट होगा, उसे हम IR केबल के जरिए यह हमारा LED है जो मी का जो रिमोट हमारे टीवी के साथ आएगा उसे ही सपोर्ट करेगा। यहाँ पर हमें एक और फीचर जो है वो मिल जाता है, जो कि है पेच वॉल का, जो कि एक काफी बेहतरीन फीचर है। यहाँ पर हमें 20 वोल्ट के स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि 10 वोल्ट के दो स्पीकर्स है। यहाँ पर काफी सारे हमें पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हम किसी भी पुराने या नए गैजेट्स को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी वाईफाई सपोर्ट है और इनके अंदर काफी मैसिव कंटेंट की जो है वो लाइब्रेरी जो है वो हमें मिलेगी। तो इसकी जो सेल है वो 13 मार्च को दिन में 12 बजे दूसरे फोन्स और जो जैसे पहले LED की लगी थी वैसे ही लगने वाली है। और इस टीवी को भी मैं ऑर्डर करूंगा और उसके अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। तो देखते रहिए मेरे इस चैनल को, इससे कनेक्ट रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स भी पा सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज सब्सक्राइब Techie9 एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन माय चैनल। Thank you.